हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टूडेंट एकेडमी। माय नेम इज प्रवीण कुमार। हम लोग पढ़ रहे हैं राइस के बारे में, ठीक है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट वन कवर कर चुके हैं, आज हम लोग पार्ट टू देखेंगे, राइस वेराइटीज़, ठीक है। पार्ट वन में मैंने आपको बताया था कि राइस की टोटल 24 वेराइटीज़ होती है ना। तो हम लोग आज राइस की वेराइटीज़ पढ़ेंगे। दैट मीन्स ये आप दिमाग से निकाल दो कि हमको 24 वैरायटीज़ जो राइस के हैं उनको डिटेल में जाके पढ़ना है। ऐसा कुछ नहीं है, राइस के केवल कुछ ऐसे वैरायटीज़ हैं जो कि एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, तो केवल हम लोग उसी वैरायटीज़ को जाके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा कभी नहीं करना है कि हम 24 वैरायटीज़ को जाके पूरे रट रहे हैं। केवल राइस ही टॉपिक नहीं है आपका, बहुत सारे टॉपिक्स भी पढ़नी है ना। तो केवल कुछ ऐसे वैरायटीज़ जो कि एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंट पूछा गया है, हम लोग केवल उसी टॉपिक को यहाँ पे क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे अपने स्लाइड पे मूव करते हैं। देखो, सबसे जो पहले राइस की वैरायटी हमको पढ़नी है वो पढ़नी है TN1। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूँ, TN1 वैरायटीज़ को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ मज़ेदार कहानियाँ समझेंगे, ताकि जो हमारा इंटरेस्ट है, हम जानने का ये प्रयास कर रहेंगे कि किस तरीके से शुरुआत हुई होगी राइस की अलग अलग वैरायटी से, है ना। तो चलो हम लोग पहले कहानियाँ समझते हैं, फिर हम लोग अपने लेक्चर पे कंटिन्यू करेंगे। देखो, सबसे पहले जो राइस की अलग अलग वैरायटी हमको आज देखने को मिलती है, इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी, ताइवान से, ठीक है। ताइवान से क्या हुई थी, जो राइस की अलग अलग वैरायटीज़ है वो उसकी शुरुआत हुई थी। अब इंटरेस्टिंग कहानी क्या है कि ताइवान में एक फार्मर था, ठीक है, जो कि अपने फील्ड में क्या किया था, वो धान की खेती किया था। और जब धान की खेती हम करते हैं तो प्रॉपर हमको विजिट भी करना पड़ता है कि कहीं उसमें चूहे नहीं लग गए हो या उसमें पेस्ट ना लग गया हो, तो हमको प्रॉपर क्या करना पड़ता है, विजिट करते रहना पड़ता है अपने फील्ड को, ठीक है। तो वो भी क्या किया, अब जब प्लांट्स की कुछ हाइट हो गई, अब प्लांट्स का मतलब हम लोग क्रॉप की बात कर रहे हैं, राइस के क्रॉप की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब उसकी कुछ हाइट हो गई तो वो फार्मर क्या किया, अपने फील्ड में एक बार घूमते घूमते पहुंचा, और वो क्या देखता है कि अपने फील्ड में 90% प्लांट ऐसे थे जो कि नॉर्मल थे, जैसे कि बाकी के फील्ड में थे वैसे भी इसी के फील्ड में थे, है ना। और 10% प्लांट ऐसे थे जो ड्वार्फ हो गए थे, जिनकी हाइट लंबी नहीं हुई थी, वो छोटे रह गए थे, ठीक है। तो ये जानना चाहा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, 90% प्लांट जो हैं वो नॉर्मल हो गए और 10% प्लांट जो है वो छोटे क्यों हो गए, ठीक है। और उसकी यही जानने की इच्छा जो थी वो क्या पूरी एग्रीकल्चर साइंस को हिला के रख दिया, या बोल सकते हो वहाँ से एक नई रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। अब वो जानने की इच्छा था, इसलिए वो क्या किया, जो ताइवान के अंदर जो प्लांट ब्रीडर थे उसको वो करता है फ़ोन, ठीक है। वो प्लांट ब्रीडर आते हैं उसके फील्ड में, और वो उस जो छोटे छोटे ड्वार्फ वैरायटीज़ जो थे राइस के, उसको वो निकाल लेते हैं, और निकाल के वो क्या करते हैं, अपने लेबोरेटरी के अंदर ले जाते हैं, उस पर कुछ रिसर्च करते हैं। और रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि वो छोटे इसलिए हो गए थे क्योंकि उसमें हो गया था म्यूटेशन। और पता है, म्यूटेशन एक ऐसी फिनोमेना होती है जो एक बदलाव लाती है, ठीक है, एक इवोल्यूशन लाती है ना। तो अब वो जो प्लांट ब्रीडर थे या जो साइंटिस्ट थे जो कि राइस के फील्ड में काम कर रहे थे, उसने क्या किए, वो उस ड्वार्फ वैरायटी के जो राइस का क्रॉप था उसको उन्होंने एक नाम दिया, दैट इज DZ UZEN, ठीक है, DZ UZEN एक नाम दिया गया, ठीक है। फर्दर DZ UZEN को वो ताइवान के साइंटिस्ट ने क्या किए, DZ UZEN के वैरायटीज को क्रॉस करवा दिया किसके साथ, लेटी सेल के साथ। मैं बता दूं, DZ UZEN जो है वो जापैनिका वैरायटी से बिलोंग करता है और ये इंडिका वैरायटी से बिलोंग करता है, ठीक है। वैरायटी आप याद रखें, DZ UZEN जो है वो एक जापैनिका वैरायटी है और लेटी सेल एक इंडिका वैरायटी है। तो अब क्या हुआ, जब DZ UZEN को क्रॉस करवाया गया लेटी सेल से, तो एक नया वैरायटी निकल के आया जिसको बोलते हैं हम लोग TN1, ठीक है। अब एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम हम सबको पता है, दैट इज IRRI, इसका नज़र पड़ा उस DZ UZEN नाम के वैरायटी के ऊपर, ठीक है। तो ये डिमांड किया, ये ताइवान से क्या किया, मांग किया DZ UZEN नाम की वैरायटी को, और फिर IRRI ने, दैट इज कॉल्ड
इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कहाँ है, लगुना फिलीपींस में है, ठीक है। तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने क्या किया, उस डीजी उजेन नाम के वैरायटी को लिया और उसको एक नए वैरायटी से क्रॉस कराया, दैट इज़ कॉल्ड पेट्टा। डीजी उजेन को क्या किया, पेट्टा नाम के वैरायटी से क्रॉस कराया तो सामने निकल के एक और वैरायटी आई, दैट इज़ कॉल्ड IR8, और ये बात है 1965 की, ठीक है। आया समझ में कहानी, आपको समझ में आ रही है। तो IRRI ने क्या किया, डीजी उजेन नाम की वैरायटी को ताइवान से मंगाया और उसको उन्होंने क्रॉस करवा दिया पेटा नाम के एक वैरायटी से। पेटा जो वैरायटी है वो राइस का ही वैरायटी है, उससे उन्होंने क्रॉस कराया तो एक नया वैरायटीज निकल के सामने आया, वो कहलाता है IR8, ठीक है। चलो अब हम लोग अपने टॉपिक पेपर इंटर करते हैं। देखिए TN1 ये जो वैरायटी है वो किसके किसके कॉम्बिनेशन से तैयार हुआ है, डीजी उजन। मैंने आपको बताया डीजी उजन का शुरुआत कैसे हुई थी, डीजी उजन को जब हम क्रॉस करवाते हैं लेटिस सेल नाम के एक राइस की वैरायटी साथ तो एक हाइब्रिड निकल के सामने आता है जिसको हम बोलते हैं TN1, ठीक है। और ये दोनों से क्या होता है, सुपीरियर होता है, ठीक है। तो यहाँ से TN1 वैरायटी की शुरुआत हुई थी कब, 1964 में, ठीक है। डेट आप देखें, पूछा गया एग्जाम में, है ना। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, क्या है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछे गए एग्जाम में कि वर्ल्ड फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटीज, राइस की सबसे छोटी वैरायटीज पूरी दुनिया में कौन सी थी, TN1, जिसकी बनावट जिसको कब बनाया गया था, 1964 में, ठीक है। TN1 इज द फर्स्ट राइस वैरायटी दैट कल्टिवेट इन इंडिया। देखो TN1 वैरायटी की जो बनावट थी वो 1964 में ही हुई थी और साथ में जो TN1 वैरायटी है उसको 1964 में ही इंडिया में लाया गया था पहली बार कल्टीवेट करने के लिए। तो पूछा जाता है कि इंडिया में सबसे पहले राइस की कौन सी वैरायटी की कल्टीवेशन हुआ था, तो TN1, ठीक है। कब हुआ था, 1964 में। आई होप आपको ये दो पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नाउ आगे मूव करते हैं। अब मैंने आपको कहानी बताया कि IR8 का भी शुरुआत कैसे हुई थी, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि IRRI ने क्या किया था, डीजी उजेन नाम के वैरायटी को लिया और उसको पेटा नाम के एक वैरायटी से क्रॉस कराया तो जो सामने निकल के वैरायटी आया वो निकल के आया IR8, ठीक है, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, या बोल सकते हो इसकी जो डिस्कवरी हुई थी IR8 की, वो 1965 में हुई थी, ठीक है। IR8 जो एक वैरायटी है उसकी डिस्कवरी 1965 में हुई थी। तो कई बार एग्जाम में क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन पूछते हैं कि IR8 जो वैरायटी है वो किसके किसके कॉम्बिनेशन से मिलके बना है, तो डीजी उजेन को जब आप क्रॉस करोगे पेट्टा नाम के राइस की वैरायटी के साथ तो एक न्यू वैरायटी निकल के आएगा जिसको हम बोलते हैं IR8। एज इट क्लियर नाउ। अब इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं, वर्ल्ड फर्स्ट हाई यील्ड ड्वार्फ वैरायटी ऑफ इज IR8। देखो वर्ल्ड में, सुनो मेरी बात ध्यान से, पहले क्या मैंने क्या बताया था, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, कि वर्ल्ड फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी TN1 था, सबसे छोटा पूरी दुनिया में जो राइस की वैरायटी थी वो TN1 थी। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है वर्ल्ड फर्स्ट हाई यील्ड ड्वार्फ वैरायटी, ठीक है, हाई यील्ड ड्वार्फ वैरायटी अगर आपसे पूछा तो वो क्या जाएगा, IR8, ठीक है। सो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मिरेसल है ना, मिरेसल राइस, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मिरेकल राइस, ठीक है। इसलिए इसको क्या हमने बोला, मिरेकल राइस। एज इट क्लियर, ठीक है। नाउ IR8 कम्स इन इंडिया 1965, ठीक है। जैसे कि जो हमारा इससे पहले का जो वैरायटी था TN1 वो 1964 में आया था इंडिया के अंदर, और मिरेकल राइस जो था वो 1965 में आया था, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज मत करना, कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। वर्ल्ड हाई यील्ड आपसे अगर पूछा है ड्वार्फ वैरायटी में तो IR8 जाएगा, और अगर वर्ल्ड फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी पूछेगा तो TN1 जाएगा, ठीक है। और IR8 को हम मिरेकल राइस भी बोलते हैं, इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो 1965 में हुई थी और 1965 में ही ये इंडिया के अंदर कल्टीवेशन पर्पज़ के लिए लाया गया था, ठीक है। इसके अलावा एक और मज़ेदार कहानियाँ हैं, किसका, एक फार्मर का जिसको हम जिसका नाम है N. Subbaraw, ठीक है। एन सुबाराव का एक कहानी सुनाते हैं आपको। एन सुबाराव जो था एक फार्मर था, ठीक है। वो क्या करता था, एक मतलब बहुत अच्छा टाइप का एक फार्मर था, वो
IR8 की नाम की जो वैरायटी थी राइस को, वो इतने ज़्यादा मात्रा में वो खेती किया था, लगभग 1600 हेक्टेयर में वो किया गया था, IR8 नाम की वैरायटी को कल्टीवेट किया था, ठीक है। और इसलिए इसको हम बोलते हैं एन सुब्बाराव को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, मिस्टर IR8 सुब्बाराव, या इसको हम लोग बोलते हैं धान पंडित। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। एन सुब्बाराव क्या था, एक फार्मर था। वो क्या करता था कि IR8 नाम की जो वैरायटी लॉन्च हुई थी पहली बार, उसको वो क्या किया था, बहुत बड़े पैमाने पे उसकी खेती किया था, लगभग 1600 हेक्टेयर पे वो क्या किया था, IR8 नाम की वैरायटी की खेती करी थी, ठीक है। इसलिए इसका नाम पड़ गया मिस्टर IR8 सुब्बाराव, या इसको हम लोग बोलते हैं धान पंडित। तो कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि हु इज धान पंडित, तो आपको पता होना चाहिए एन सुब्बाराव को हम लोग क्या बोलते हैं, धान पंडित या मिस्टर IR8 सुब्बाराव। आया समझ में? चलो आगे मूव करते हैं। तो देख रहे हैं आपको ये IR8 राइस है ना, जो कि क्या लगा हुआ है ना फील्ड में। नाउ अब एक वैरायटी आया सामने निकल के जया, ठीक है। और जया की कहानी ये है कि एक इंस्टीट्यूट है दैट इज़ कॉल्ड AICRP, है ना, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है। ये क्या किया, वहाँ के जो हेड थे वो थे डॉक्टर SVS शास्त्री, ठीक है, डॉक्टर SVS शास्त्री जो इस इंस्टीट्यूट के क्या थे, हेड थे। उन्होंने क्या किया, TN1 वैरायटी जो कि किसके किसके कॉम्बिनेशन से मिलके बना था, तो वो डीजी उजन और किसके कॉम्बिनेशन से मिलके बना था, डीजी उजन और आपका लेटिसेल, ठीक है, डीजी उजन और लेटिसेल के मिलने से क्या बना था, TN1 बना था। तो जो वहाँ के डॉक्टर SVS शास्त्री थे, उन्होंने क्या किया, इस TN1 को एक नए वैरायटी के साथ क्रॉस कराया, दैट इज कॉल्ड T141 एक न्यू राइस की वैरायटी थी, उसको जब क्रॉस कराया गया TN1 के साथ, तो सामने निकल के एक वैरायटी आया, दैट इज़ जया, ठीक है। और ये वैरायटी जो था वो इतना ज़्यादा, मतलब इसका प्रोडक्शन रेट भी अच्छा था, और ये आप देखो तो ये IR8 से मच बेटर था, उससे कई गुना अच्छा वैरायटी था जया। तो जब जया की डिस्कवरी हुई थी, जया नाम की राइस की वैरायटी की, तो ये एक अलग तरीके का रिवॉल्यूशन ला दिया था हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में, ठीक है। क्योंकि इसकी हर एक, इसकी प्रोडक्टिविटी, इसकी जो खाने का अपना जो टेस्ट होता है, वो IR8 से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। तो कई बार पूछा जाता है कि जया नाम की जो वैरायटी थी उसको किस इंस्टीट्यूट ने तैयार किया था, तो AICRP ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट, और वहाँ के जो हेड थे उसने किया था, डॉक्टर SVS शास्त्री, ठीक है। आया समझ में? नौ हम लोग आगे मूव करते हैं। मैंने आपको बताया कि जो हमारा जो ये वैरायटी था जया जो वैरायटी था ना, वो मच बेटर था IR8 से, क्योंकि इसकी हाई यील्ड ड्वार्फ वैरायटी इन इंडिया इज जया, ठीक है। और इंडिया के अंदर जो हाई यील्ड ड्वार्फ वैरायटी है, अगर इंडिया के अंदर पूछता है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है हाई यील्ड ड्वार्फ वैरायटी इन इंडिया, तो आप आंसर क्या मारोगे, जया, ठीक है। और अगर यही पूछता है हाई यील्ड ड्वार्फ वैरायटी इन वर्ल्ड, तो आंसर क्या मारोगे, IR8, ठीक है। अब जो हमारे वर्ल्ड हैं, ध्यान से यहाँ पे कई बार कन्फ्यूजन होता है, वर्ल्ड में अगर पूछता है कि वर्ल्ड में मिरेकल राइस हम किसको बोलते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो आंसर जाएगा IR8, ठीक है। और अगर इंडिया में पूछता है, इंडिया में हम मिरेकल राइस किसको बोलते हैं, तो जया को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेंशन किया गया है मिरेकल राइस इन इंडिया जया को बोलते हैं, और मिरेकल राइस इन वर्ल्ड हम IR8 को बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत करना। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप रट्टा मारिए। फर्स्ट हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ होगा बासमती राइस। बासमती राइस का सबसे छोटी और सबसे अधिक उत्पादन करने वाली पहली वैरायटी कौन सी थी, Pusa Basmati 1, ठीक है। ये सबसे छोटी भी थी, है ना, और सबसे पहली हाई यील्डिंग वैरायटी थी बासमती राइस का, वो क्या था, Pusa Basmati 1। और वर्ल्ड फर्स्ट एरोमेटिक हाई यील्डिंग बासमती राइस, वर्ल्ड में सबसे पहला एरोमेटिक हाई यील्डिंग बासमती राइस वो कौन सा था, Pusa RH 10,
ठीक है। इसके अलावा सबसे पहला हाइब्रिड राइस इन इंडिया वो कौन था, CORH1 पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया है कई बार कि इंडिया के अंदर चावल की सबसे पहली हाइब्रिड कौन सी थी, तो CORH1। ठीक है, राइस की म्यूटेंट वैरायटी, ये दो राइस की वैरायटी है जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में म्यूटेशन की संभावना होती है, आप बोल सकते हो राइस की ये म्यूटेंट वैरायटी है, दैट इज़ कॉल्ड जगन्नाथ एंड प्रावती। ठीक है, प्रावती जो है और जगन्नाथ जो है वो राइस की म्यूटेंट वैरायटी है ना, याद रखोगे इसको आप। नाउ वाटर लॉग्ड टॉलरेंट वैरायटी, एस वाटर लॉग कहने का मतलब क्या हुआ कि अधिक मात्रा में पानी भी आएगा तो इसके जो फसल्स होंगे वो गिरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, उखड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ऐसे जो राइस की वैरायटी है वो क्या है, जलमगन। जलमगन जो है वो ऐसी राइस की वैरायटी है जो कि टॉलरेंस है किसका, वाटर लॉग का। ठीक है, और ये पूछा जाता है कई बार, हमको पता है कि जो राइस होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है ना, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे वैरायटीज़ हैं राइस के जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, तो उस वैरायटी है साबरमती। साबरमती एक राइस की ऐसी वैरायटी है जिसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। चलो थैंक यू सो मच, आई होप आपको आज का जो लेक्चर था राइस वैरायटीज़ वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आप MCQ सॉल्व करो, इसके बावजूद यदि कोई पॉइंट आपसे नहीं बनता है, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, देन यू आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।